हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज आप मेरे साथ 35 चेस्ट के लिए फोर्टेक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो जो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो ये नाप मैंने लिख रखा है, लंबाई हमें बनानी है 13 इंच, चेस्ट है हमारे पास 35 यानी कि 35 इंच, कमर है 29, शोल्डर है हमारे 14 इंच, स्लीव की जो लेंथ है लंबाई वो है 5.5 इंच और उसकी जो गोलाई है वो है 11 इंच, गला हमें बनाना है आगे 6 इंच और पीछे बॉटनेक। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। मैंने लेस को अलग कर लिया है और साथ में ये है मेरे पास अस्तर। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और आप देख रहे हैं किनोर है दूसरी साइड में। अब हमारा चेस्ट है 35 इंच, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। तो ये मैंने डबल फोल्ड किया है 10.25 इंच में। तो सबसे पहले लेंगे हम लंबाई, तो 13 इंच का ब्लाउज है तो ये लेना है हमें 14 इंच। एक इंच एक्स्ट्रा लेना है जिसमें 1/2 इंच ऊपर का मार्जिन हो जाएगा और 1/2 इंच ही नीचे वाला। उसके बाद लेंगे हम शोल्डर, शोल्डर है हमारे 14 इंच जो कि एग्जैक्ट शोल्डर है। और बॉटनेक बनाने में हमें एग्जैक्ट शोल्डर ही लेना होता है यानी कि 14 का 1/2 हो जाएगा हमारे पास 7 इंच। तो ये 7 इंच पर मार्क कर लिया है। और आर्म होल के लिए उसकी जो लंबाई है वो भी लेंगे हम 7 इंच और इसे ले जाएंगे हम अंदर के साइड में लगभग 1/2 इंच। और उसके बाद हमारा चेस्ट जो है वो है 35, तो उसका 1/4 हो जाएगा हमारे पास 9.25 इंच, 9 इंच में 1/2 इंच कम यानी 9.25 इंच। और ये 1.5 इंच का हमने रख लिया मार्जिन, उसी अकॉर्डिंग हमने इसको डबल फोल्ड किया था। अब सबसे पहले हम आर्म होल को गोलाई दे देंगे और उसके बाद गला लेंगे हम। तो ये मैंने चौड़ाई रख ली है 4 इंच और लंबाई में मैंने इसे रखा है 3 इंच। 1/2 इंच जो है वो डाउन कर लेंगे हम अपना शोल्डर। तो ये हमने सिर्फ बॉटनेक ऊपर जो है वो लिया है, बाकी जो बीच में गला बनेगा उसकी जो डिज़ाइन है वो हम बुकरम से बनाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। अब देखिए जो अगला हिस्सा हमें कटिंग करना है उसे हमें 1/2 इंच बढ़ा लेना है। जितना हमने पीछे लिया था 10.25 इंच में फोल्ड किया था, अब हमें फोल्ड करना है 11.5 इंच में। जो हुक पट्टी का मार्जिन है वो रख लेंगे एक्स्ट्रा और ये हुक पट्टी का मार्जिन हो जाएगा ये 1/2 इंच। अब इसे छोड़ते हुए हमें पीछे वाला जो हिस्सा है वो रख लेंगे इस पर। 1/2 इंच को आगे निकाल लिया हमने हुक पट्टी की तरफ और ये हमने इसको रख लिया है। तो ये नेक की जो है चौड़ाई हो जाएगी। ये आर्म होल के लिए निशान 1/2 इंच हमें डाउन करना ही है। अब इसके बाद जो लंबाई है वो हमें 2 इंच बढ़ानी है क्योंकि आपको पता है इसमें डार्ट भी आएगी और उसके बाद बेल्ट भी हम इसको अटैच करेंगे तो वहाँ पर भी 1 इंच का मार्जिन चला जाएगा। तो ये जो है 2 इंच का मार्जिन हमने एक्स्ट्रा रख लिया है। अब ये जो हिस्सा है इसे हम 1/2 इंच नीचे ले लेंगे और उसके बाद आर्म होल की गोलाई हम छाप लेंगे। अब इसी को हम हटा लेंगे और सबसे पहले लेंगे हम अपना गला। तो जो गला है वो लंबाई में था 6 इंच, तो ये ले लिया मैंने 6.5 इंच। ये इसको गोलाई दे देंगे हम। अब ऊपर से हमें बेल्ट अलग करना है तो ये बेल्ट हम अलग करेंगे 13 इंच पर। तो ये 13 इंच पर हमने सीधा कर लिया है और साथ में बेल्ट का जो कोना है वो निकाल लेंगे यहाँ पर हम 0.5 इंच। अब ये आर्म होल था हमने जो छापा है ये पीछे के लिए, तो इसे हम 1/2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे, गहराई देंगे इसको 1/2 इंच।
अब लगाएंगे हम, पहले तो हम बेल्ट को अलग कर लेते हैं, 1 इंच जो है इसको कम कर लेना है हमें। अब ये 1/2 इंच जो है हमने हुक पट्टी के लिए छोड़ा है। उसके बाद हमें जो डार्ट लगानी है वो है 35 हमारा चेस्ट, तो उसका 10वां हिस्सा हो जाता है हमारे पास 3.5 यानी कि 3.5 इंच। तो ये जो पहली डार्ट है वो होगी हमारी 3.5 इंच की और लंबाई में 2 इंच। उसके बाद 1 इंच ऊपर ये हमने एक सीधी लाइन खींच ली है, इसी लाइन पर हुक पट्टी की तरफ से एक डार्ट होगी 2.5 इंच की, और ये 1.5 इंच के गैप से तीसरी डार्ट हो जाएगी साइड फिटिंग की तरफ, और चौथी डार्ट हो जाएगी आर्म होल से 4 इंच पर लगाया मैंने निशान, और वही गैप है 1.5 इंच वाला। तो ये हो जाएगी हमारी चौथी डार्ट। अब कटिंग करेंगे हम स्लीव, तो मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़े को, और एक बार और फोल्ड यानी कि 4 फोल्ड में हो गया ये कपड़ा 2 स्लीव के लिए, और ये लगभग 8.5 इंच में मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब जो लंबाई हमें बनानी है वो है 5.5 इंच, तो यहाँ पर हमें लेना है 6.5 इंच, और उसके बाद उसका जो 1/2 है 3.25 इंच पर एक निशान मैंने और लगाया है, और ये कर लिया मैंने उसको सीधा। चौड़ाई जो है वो है 11 इंच यानी कि उसका 1/2 हो जाएगा 5.5 इंच, और यहाँ पर हम लेंगे 1/4 इंच ज़्यादा यानी कि 7.25 इंच, और ये 1.5 इंच का हो जाएगा हमारा मार्जिन। और ये देंगे हम स्लीव की गोलाई। और ये काटेंगे हम आगे के लिए, गहराई देंगे 2 हिस्सों को। अब इन सभी पार्ट्स को हम ब्लाउज पीस जो है हमारे पास उसके ऊपर रखकर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये हमारे पास पिछला हिस्सा, तो इस पिछले हिस्से को हमें नीचे की साइड से अटैच करना है, तो मैं इसको नीचे से फोल्ड करने वाली हूँ ताकि मुझे पट्टी लगानी नहीं पड़े। तो ये 1/2 इंच मैंने चला लिया है, उसके बाद जो है 1 सिलाई हमें लगानी है अस्तर पर ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए और किसी प्रकार की कोई सलवट नहीं आए। तो ये जो ऊपर वाली सिलाई है वो आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, या नहीं लगाएं तो आप ऐसे बिठा सकते हैं। अब चारों तरफ से हमें सिंपल इसको अटैच कर लेना है। तो ये लेंगे हम पेपर बुकरम, और इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है 5 इंच चौड़ाई में, और हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये नेक लेना है। जैसे हम जितना ले सकते हैं, जितना बड़ा हमें बनाना है उतना हमें लेना है। जैसे मैं ले रही हूँ 8 इंच, तो ये ऊपर की साइड मैंने 1 इंच छोड़ दिया बुकरम, और उसके बाद 8 इंच पर मैंने निशान लगा लिया, और यहाँ से कर लिया मैंने इसको सीधा, और यहाँ पर देंगे हम ये इस तरह से शेप, और
ये इस तरह से हमें इसमें डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। एक पत्ती जो है उस स्टाइल से ऊपर में, और उसके बाद ये एक राउंड देने के बाद एक और राउंड लेंगे हम, और ये आ जाएगा हमारा नीचे तक। तो ये शेप है हमारा, और चारों तरफ से एक एक इंच रखना ही है इसे। तो ये हमारा नेक कट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे अस्तर पर अटैच कर लेंगे, चिपका लेंगे। सिंपल बुकरम है तो आप सिलाई से इसको अटैच कर सकते हैं। और ये निकाल लेंगे हम इसका सेंटर, और इसी तरह से जो ब्लाउज़ है उस पर भी सेंटर पर एक निशान लगा देंगे, ताकि जो हमारी डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर में बने। तो ये हमने सेंटर पर जो है इसको चिपका लिया, अटैच कर लिया है सिलाई से। आप चाहे तो पिनअप करके भी इसको अटैच कर सकते हैं। और चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है बुकरम के बिल्कुल पास पास में। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें चारों तरफ से इसको पाव पाव इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। और जहाँ जहाँ कॉर्नर बने हैं वहाँ पर हमें कट जरूर लगाना है, गोलाई जहाँ पर हो वहाँ पर भी। और इसके बाद हम करेंगे इसको फोल्ड, और साथ में एक सिलाई चला लेंगे। देखिए ये मैंने पतली डोरी बनाई है, तो इसके हमें टुकड़े करने हैं चार। जो हम बांधने के लिए डोरी बनाते हैं बस वही डोरी है ये, और इसे हमें इस तरह से अटैच करना है। चार डोरी हो जाएगी। तो ये मैंने अटैच कर लिया है। उसके बाद हम लगाएंगे लेस। तो ये देखिए ये इस तरह से मैंने इस पे निशान लगाया है, और दूसरी साइड भी इसको इस तरह से छाप लेना है। तो पहले ऊपर की साइड में लगाएंगे हम लेस, और उसके बाद ये पूरी लेस हो जाएगी हमारी नीचे की साइड से। उसके बाद ये हमारी पीछे वाली डार्ट, 4 इंच मैंने लंबाई ली है इसकी, और 1/2 इंच चौड़ाई में। और एक लेस लगा लेंगे हम नीचे की साइड में भी। और ऊपर की साइड में लगानी है हमें पाइपिंग। तो 1 इंच चौड़ाई में जो है और ये पट्टी ली है, और उसे लगाना है हमें खींचते हुए। ये हो जाएगी हमारी पाइपिंग।
तो ये जो है बैक नेक हमारा तैयार हो जाएगा, पीछे वाला हिस्सा तैयार हो जाएगा। अब देखिए आगे वाले हिस्से मैंने इनको अस्तर के साथ में अटैच कर लिया है, और जो ये डार्ट के निशान लगाए हैं वहाँ पर भी मैंने सिलाई चला ली है। तो सबसे पहले ये डार्ट लगाएंगे हम, ये नीचे वाली डार्ट जो है वो हाफ इंच में, और बाकी जो डार्ट है वो है पाव पाव इंच में। तो इसी तरह से चारों डार्ट हो जाएगी हमारी, पफ बन जाएगा। और ये है बेल्ट, बेल्ट को मैंने नीचे की साइड से फोल्ड कर दिया जैसे हमने पिछला हिस्सा किया था, और इसको कर लेंगे हम अटैच। तो डार्ट जो है वो साथ में हमारे नहीं आनी चाहिए, तो फोल्ड कर दें या हल्का सा कट कर दें उसको। तो मैं ये डार्ट जो बेल्ट जोड़ा है उस पर ऊपर सिलाई चला रही हूँ, आप चाहें तो चला सकते हैं। तो ये दोनों हिस्से इसी तरह से हमें तैयार करने हैं, एक बार लगा के देख लेना है कि डार्ट जो है हमने बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद लगा रहे हैं हम हुक पट्टी। तो ये देखिए गले के साइड में आपको पाव इंच इस तरह से पट्टी को दूर रखते हुए लगाना है। इससे क्या होता है गले की जो फिटिंग है वो अच्छी आती है, गला जो उखला सा रहता है ऊपर की तरफ उठता है तो वो नहीं उठता। तो ये हो जाएगी हमारी हुक पट्टी जो सिर्फ अस्तर वाले कपड़े से हमें लगानी है। और उसके बाद में दूसरी साइड में लगानी है हमें आई पट्टी, उसको भी हमें इसी तरह से गले की साइड में पाव इंच पट्टी को दूर ले लेना है। और साथ में इस पर हम दो सिलाई चला लेंगे। तो अब देखिए लगा के फिर से देख लें एक बार, ये बिल्कुल बराबर है, ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा है वो निकाल लें। अब आगे भी हमें पाइपिंग लगानी है, तो वही हमें ओरेप लेना है 1 इंच चौड़ाई में, ज़्यादा चौड़ी नहीं लेनी है। और उसके बाद इसकी पाइपिंग जितनी मोटाई में आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो ये पाइपिंग दोनों ही तरफ मैंने लगा ली है, और हमारा अगला हिस्सा भी तैयार हो चुका है। तो हम जोड़ लेंगे शोल्डर, और उसके बाद स्लीव जोड़ने से पहले ये दोनों हिस्से नाप कर देख लें। अगर थोड़ा बहुत भी कम ज़्यादा होता है तो फिर फिटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, तो पहले नाप लें। अब देखिए स्लीव को भी मैंने अस्तर के साथ में अटैच करके बॉर्डर जो है वो अटैच कर लिया है। इसको भी इसी तरह से हमें नापना है ताकि फिटिंग में हमें कोई परेशानी नहीं आए। उसके बाद ही हमें स्लीव जोड़नी है, ना तो हमें स्लीव को खींचना है ना ही हमें इस हिस्से को खींचना है, ब्लाउज वाले पार्ट को, आर्म होल को बिल्कुल नहीं खींचना है। अब फिटिंग के लिए सबसे पहले हम 1 इंच चला लेंगे सिलाई, 1.5 इंच का हमने मार्जिन रखा है। अब देखिए हमें अपनी कमर नापनी है, तो अभी हमारे पास 31 इंच है। और इसी तरह से स्लीव की चौड़ाई हमारी जो 11 इंच है उसी अकॉर्डिंग हमें फिटिंग लगानी है। तो ये जो निशान हमें दिखाई दे रहा है कटिंग के वक्त का, तो यहाँ पर जो हमारी मशीन चलेगी उससे हमारा ब्लाउज जो है वो फिट हो जाएगा। उसके बाद 1-2 सिलाई साथ में और लगा लेंगे पास पास में, और साइड में आप चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं। अब ये देखिए स्लीव जो हमने जोड़ी है नाप लिया हमने पहले, तो ये जो सिलाई है वो परफेक्ट मैच हो जाएगी हमारी। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।